हे गाइस वेलकम बैक। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने साउथ की कुछ धमाकेदार मूवीज को लेकर, जिनमें आपको एक यूनिक सी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी और सस्पेंस थ्रिल की कमी भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहना ताकि आपको सभी मूवीज के बारे में अच्छे से पता चल सके और सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 8 पर हमने रखा है साल 2023 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी थग्स। मूवी में आपको हरिदू हेरोन और अस्वर्णा जैसे कलाकार नजर आएंगे। कहानी है एक लड़के सेतु की, जिसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उसे एक ऐसे मर्डर केस में फंसा दिया जाता है जो उसने किया ही ना हो, और उसे जेल में भेज दिया जाता है। वहां जेल में सेतु कुछ लोगों की एक टीम तैयार करके जेल से भागने का एक मास्टर प्लान बनाता है। तो देखना होगा कि सेतु को मर्डर केस में किसने फंसाया और सेतु बदला लेगा, अगर लेगा तो कैसे। मूवी IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। नंबर 7 पर आती है साल 2023 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी थिरुविनकुराल, जिसके स्टार कास्ट में आपको अरुण नीति और आत्मिका जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है एक गुंगा और बहरा आदमी अपने जख्मी पिता को अस्पताल लाता है उनका इलाज कराने के लिए। वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारे गुंडे उसके पिता को मारने के लिए अस्पताल में उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो उस आदमी की बोल और सुन ना सकने की मुश्किल परिस्थितियों में वो आदमी अपने पिता को कैसे बचाता है और गुंडों का सामना कैसे करता है। आगे की पूरी कहानी में क्या क्या होता है जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 5 out of 10। नंबर 6 पर आती है साल 2023 की हाल ही में रिलीज हुई एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी वश, जिसमें दोस्तों आपको जानकी बॉडीवाला और हितेन कुमार जैसे कलाकार नजर आएंगे। कहानी की बात करें तो अथरावा एक फैमिली मैन है जो अपने परिवार को घुमाने के लिए दूर कहीं वेकेशन पर लाता है। वहां जाकर अथरावा के परिवार पर कोई काला जादू कर देता है, फिर चीजें हद से ज्यादा बदतर होने लग जाती हैं। और काला जादू ब्लैक मैजिक इतना भयानक होता है कि वो एक बार किसी के शरीर पर हावी हो जाए तो सिर्फ मौत ही है इसे छुटकारा दिला सकती है। तो अथरावा के परिवार पर ब्लैक मैजिक किसने किया, इसके पीछे का रहस्य क्या है और अथरावा अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, यही आपको इस मूवी में देखना चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग बेहतरीन है 8.4 out of 10। नंबर 5 पर आती है साल 2023 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी धूमम। मूवी के स्टार कास्ट में आपको फाहद फाजील और अपर्णा बाला मुरली जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो अविनाश एक सिगरेट की कंपनी में मार्केटिंग का काम करता है और कंपनी को अपने काम की वजह से करोड़ों का फायदा दिलवाता है। पर जब उसे कंपनी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स का पता चलता है जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, तब वो अपनी जॉब छोड़ देता है। फिर वो खुद को और अपनी वाइफ को होस्टेज मतलब बंदी के रूप में देखता है। उसे खुद को और अपनी वाइफ को जिंदा रखने के लिए कुछ खतरनाक टास्क पूरे करने होंगे। तो ये सभी टास्क उसे किसने दिए, ये सब अविनाश के साथ क्यों हो रहा है और ऐसे में अविनाश क्या करेगा, जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 out of 10। नई कार, बड़ा घर, फॉरेन हॉलीडेज, इन सब का एक ही तोड़ है, गेटिंग रिच, वेरी वेरी रिच। मुझे दो लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं। You need to stop this now. कहाँ हो तुम? नंबर 4 पर दोस्तों एक कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है पिज्जा 2, जिसके स्टार कास्ट में आपको अशोक सेलवन और संचिता शेट्टी जैसे कलाकार नजर आएंगे। कहानी की बात की जाए तो जेबिन एक लेखक है जो कि अपने मृत पिता द्वारा बनाए गए विला को बेचना चाहता है, और जब वो उस विला में जाता है उस विला को देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसके साथ वहां पर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। वहां वो उसके मृत पिता द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो तस्वीरें की जिंदगी की वास्तविकता को दर्शाती हैं। तो क्या कोई बुरा साया है जो कि उस घर पर मंडरा रहा है जो कि जेबिन के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 out of 10।
नहीं डालेंगे हमारा बच्चे तो। नंबर 3 पर हमने रखा है 2022 की एक ड्रामा मूवी 777 चार्ली। मूवी में आपको रक्षित सेठी और शरीथा श्रीनगेरी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है जिंदगी से निराश एक आदमी धर्मा, जिसका जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं है। वो अपनी जिंदगी को बर्बादी में गुजार रहा होता है। जब चार्ली नाम का कुत्ता उसकी जिंदगी में आता है, तब धर्मा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। चार्ली के आने से धर्मा की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, आगे की कहानी में क्या क्या होता है, जानने के लिए आपको दोस्तों ये मूवी देखनी चाहिए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.8 out of 10। घर, फैक्ट्री, लड़ाई, इडली, सिगरेट, बियर, यही है जिंदगी मेरी और कुछ नहीं। नंबर 2 पर आती है 2022 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी सकीनी डकीनी। मूवी में आपको रेगिना चसंद्रा और नेविता थॉमस जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी है दो पुलिस ट्रेनिज लड़कियों की, जिन्होंने हाल ही में पुलिस की ट्रेनिंग शुरू की है। शहर के क्लब में एक लड़की का अपहरण हो जाता है और पुलिस के द्वारा कोई सहायता न मिलने पर वो दोनों पुलिस ट्रेनिज उस किडनैपर लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। तो कैसे वो उस लड़की को ढूंढती हैं, कैसे किडनैपर्स का वो सामना करती हैं, यही आपको मूवी में दिखाया गया है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6 out of 10। दोस्तों नंबर 1 पर हमने रखा है 2022 की एक मर्डर मिस्ट्री मूवी काडावर को। मूवी में आपको अमाला पोल और अरुण जैसे कलाकार नजर आएंगे। कहानी एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस के इर्द गिर्द घूमती है और एक कैदी वेत्री इस मर्डर की जिम्मेदारी लेती है और दावा करती है कि ऐसे ही मर्डर्स भविष्य में भी आपको देखने को मिलेंगे। और एक पुलिस सर्जन इस मर्डर की जाँच करती है कि सच में ये मर्डर्स वेत्री ने ही किए हैं या किसी और आदमी का या किसी औरत का इस मर्डर में हाथ है। इन्वेस्टिगेशन के बीच कुछ ऐसे राज खुलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और जिसके लिए आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। वैसे तो मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखी यार वो एक बार जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए तो ये मूवी मस्ट वॉच ही होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।